हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। ये ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 4 बजे और मैं नहा के आ गई हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, तिलावत करूँगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने नाश्ते में क्या क्या बनाया है। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में आप लोग बने रहे और देखते रहे। आज के वीडियो में आपको मैं बाहर अभी इतना अंधेरा है, ये बज रहे हैं सुबह के 4:24 हो चुके हैं और इतना बाहर अंधेरा है। अब मैं जा रही हूँ, झाड़ू लगा ली हूँ, जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। सुबह नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ मैं और मैं बनाने वाली हूँ परवल आलू की सब्ज़ी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि मैं कैसे बनाती हूँ परवल आलू की सब्ज़ी।
यहाँ पे मैंने आलू को फ्राई कर लिया है, अब मैं करूँगी परवल को फ्राई। थोड़ा सा और आलू हो जाए उसके बाद परवल को फ्राई करती हूँ। मैं बना रही हूँ इमली और धनिया की पत्ती की चटनी, दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ इमली और धनिया की पत्ती की चटनी। मैं धनिया पत्ता ले लिया है, काट लेंगे पत्ता, मैंने काट लिया है। मैं ले लूँगी जीरा, जीरा है ये, धनिया का पत्ती, ये जीरा और ये रहा नमक। चावल बनाने के लिए मैंने पानी भी रख दिया है, चावल भी लगाऊंगी अभी। मैं तीखे के लिए चाप से रखूंगी हरी मिर्ची, यहाँ परवल भी मेरा फ्राई हो चुका है। मैंने लिया है ये लहसुन, थोड़े से लहसुन लूँगी, लहसुन तो छीन लूँगी मैं। सब्जी मेरा फ्राई हो चुका है, ये परवल देखिए फ्राई हो गया अच्छी तरीके से। दो टमाटर और प्लेटी में डालने के लिए
मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी, मसाला मैंने डाल दिया है, मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी, हल्दी डाल दिया है, डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा डालूंगी ऐसे, आलू और पापड़ में डाला हुआ है इसमें थोड़ा सा डालूंगी, फिर चल लूँगी कि नमक कैसे है, फिर डालूंगी इसमें। पानी भी गर्म हो गया, मैं बनाऊंगी ये वाली चटनी, तो इमली ले लेते हैं, इसमें इमली डालेंगे, इमली को मैंने अच्छी तरीके से धो के भिगो के रखा था ताकि आराम से बीज निकल जाए। शाम का वक्त हो गया है, मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं धो रही हूँ मछली। सुबह में मैंने बनाया था परवल आलू की सब्ज़ी, अब बनाऊँगी मैं मछली। तो मछली को मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी, यहाँ मैं ऐसे रख के, इस पर अच्छे से नहीं हो रहा है, यहाँ रख के अच्छे से धो लेती हूँ, तो बहुत यहाँ पे देखिए कांटा है, तो बहुत मोटा है लग रहा है हाथ में, फिर भी इसको मैं प्याज भी लिया है मैंने, अब इसको थोड़ा सा लहसुन छील लूँ और फिर इसमें हरी मिर्ची ले लूँ, उसके बाद मैं मसाला पीस लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ मसाला पीसने के बाद। फिर स्टैंड में लगा के ही बनाती हूँ, मेरा कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है कि मैं अच्छी तरीके से वीडियो बना पाऊँ, जैसे मुझको सहूलियत लगता है वैसे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ अगर आप लोगों को। और अभी मैं अकेली घर पर हूँ, कोई है नहीं, देखते हैं कब तक अकेली रहती हूँ, शाम तो हो ही जाएगा अभी, तो फिर आज छत पे भी जाके आप सबको दिखाऊंगी कि जैसे ही थोड़ा सा धूप खत्म हो रहा है, मैं छत पे आपको
जाके दिखाऊंगी कि छत का व्यू कैसा है। वैसे तो मोबाइल लेके जाना अच्छा नहीं लगता है, सब लोग ऊपर से देखते हैं कि क्या कर रही है, वीडियो बना रही है, वीडियो डालेगी भी, तो तरह तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तो करती हूँ, तो मेरा शौक़ है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप सब मेरे शौक़ को बढ़ावा दीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।